मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक दरोगा ने एक लड़की की मदद करने के बहाने से लड़की के साथ रेप किया और फिर उसकी अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कई साल तक इस लड़की की इज्जत भी लूटता रहा। लेकिन आखिरकार अब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत कर दी है और पुलिस के आला अधिकारी अब इस पूरे मामले पर जाँच भी बिठा दिए हैं। लड़की के साथ रेप करने वाले दरोगा का नाम अजय बलियान बताया जा रहा है और ये शर्मसार कर देने वाली घटना मुजफ्फरनगर की है। बताया जा रहा है कि अजय बलियान उस वक्त सिकरी थाना में तैनात था। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि जमीनी विवाद की शिकायत लेकर 2019 में सिकरी थाने में वो पहुंची थी और उसी दौरान अजय बलियान से उसकी मुलाकात हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय बलियान ने काम करने के बहाने से उसका बलात्कार किया और उस घटना का वीडियो भी बना लिया और तभी से डरा धमका कर 2023 दिसंबर तक उसने इस घटना को अंजाम दिया। आखिरकार पीड़िता ने पुलिस के आला अधिकारियों से अब इसकी शिकायत की और व्हाट्सएप चैट भी पुलिस को दिया है। पुलिस का कहना है कि दरोगा की पोस्टिंग मेरठ के एक थाने में अभी है और उसके खिलाफ अभी जांच शुरू की गई है और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाम आपका? नेहा जी। आप किस संबंध में आज कप्तान साहब से मिले हैं? हमारे गांव में झगड़ा हुआ था जमीन को लेके। एक वो एसआई दरोगा चौकी इंचार्ज था, वो हमारे घर आया जाँच के लिए। पापा घर पे नहीं थे, वो मुझे लेके गया जांच के बहाने ले जाके गाड़ी में। गलत काम किया और सन 2019 से अब तक सन 2023 तक लगातार धमकी दे के शोषण करता आ रहा है कि अगर किसी को बताया तो मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा, झूठे केस में फंसा दूंगा। तो इसके बारे में आपने कब बताया अपने घर से? घर में तो अभी बताया है। तो इसके बाद आपके घर वालों ने क्या फैसला लिया है? कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। आपकी सरकार से क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं आप? कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। एक तरफ सरकार नारा दे रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और एक पुलिसकर्मी द्वारा इस तरह की हरकत पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब रक्षा करने वाले ये काम करने लगेंगे तो आम आदमी क्या करेगा? सर एक युवती ने एसआई पर आरोप लगाए हैं। क्या है मामला? एक महिला द्वारा एक सब इंस्पेक्टर अजय के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए गए हैं। यह सब इंस्पेक्टर जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा थाने की सीकरी चौकी पर 2019 में तैनात था। फिलहाल ये ईओडब्ल्यू मेरठ में तैनात है। इसकी जांच एसपीआरए को दी गई है, गहनता से जाँच कराई जा रही है। जाँच में आए निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।